जी, मनी ट्रेल कहां है? और मैं चाहूंगा मनी ट्रेल का वही जवाब दे जो अभी मैंने सुना है। देखिए, मनी ट्रेल का एक और बात जो पंकज मुझे लगता है कहते श्रीकांत कहते जी, रुक गए। जरा हाँ, विस्तार में बताइएगा मनी ट्रेल है कहां। मनी ट्रेल पर मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मत समझिए। वापस संजय सिंह जेल जाने वाले हैं। संजय बिल्कुल। सिंह की घर वापसी हो रही है कौन तिहाड़ से में, मामले कांगड़ा में, गुजरात वापसी वाले हो रहा मामले में या है। शराब नीति के मामले में? अब नहीं, अभी देखते जाइए नहीं भेज वो। रहा है वो, छोड़िए कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वापस जा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बताता हूँ, चलिए एक नया खुलासा करता हूँ। आपको पता है अभी पिछले दिन ईडी ने सौरभ भारद्वाज के साथ, पाठक जी के साथ और विभव, विभव नहीं है वो, ब है, ब विभव के साथ पूछताछ की, उनके बयान रिकॉर्ड किए। अब उनके बयान के बिना पर अरविंद केजरीवाल से क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। और अरविंद केजरीवाल, देखिए, क्योंकि ये तीनों समझ चुके हैं कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बचने का एक ही रास्ता है कि हम अपनी चीजों को कबूल कर लें कि हाँ, हमें अरविंद केजरीवाल के गाइडलाइंस के हिसाब से हम काम कर रहे थे और ये बयान दर्ज हो चुके हैं। चलिए, ये मानता हूं कि ईडी के अंदर है, लेकिन आपके दर्शकों के लिए मैं ये बता देता हूं, ये ईडी के पास उन तीनों ने अपने बयान थोड़ी दर्ज आवाज कर बढ़ाइए। दिए हैं। इसीलिए तुरंत उनको एक बार पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, और अरविंद केजरीवाल से उन बयानों का काउंटर किया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल उस बयान से पलटते हैं तो उन दोनों को सामने बैठाकर, यानी कि उन तीनों को और अरविंद केजरीवाल को सामने बैठाकर काउंटर किया जाएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात, अब ये समझिए, ये कैसे ईडी जांच करवा रही है, निकाल रही है। आपको पता है गुजरात में बैनर छापने का काम एक कंपनी को दिया गया था, गाड़ियों का मैनेजमेंट का काम एक कंपनी को दिया गया था, वो गोवा में, माफ कीजिएगा, वैसे गोवा सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन एक पार्टी के लिए गोवा सेहत के लिए हानिकारक हो गया। और यहाँ तक कि वो जो रैलियां थी उसको मैनेज करने का काम एक कंपनी को दिया गया था। उन कंपनी से पूछताछ की, उन कंपनी ने इस बात को सीधे तौर पर ईडी के सामने कबूला है कि हमें कैश में पैसा मिला और हमें सारे काम करने के लिए ठेका किसने दिया था, सौरभ भारद्वाज, ये दुर्गेश पाठक और दो और लोगों का नाम अब मैं ले आता हूँ। देखिए, एक असत्य हिंदी के फाउंडर हैं, उनके प्रोग्राम में बैठता हूँ, मेरे पूर्व एडिटर भी आशुतोष, हैं जी, आशुतोष, आशुतोष जी, अभी मैं उन्हें सुन असत्य रहा था, हिंदी उनका के। कहना है कि सिसोदिया जी भी जो है 15-16 साल से पहले जेल नहीं आएंगे, से बाहर नहीं आएंगे। हाँ, तो ये समझिए, आशुतोष जी भी है और एक और व्यक्ति है, मेडिसन स्क्वायर का गुंडा, मेडिसन स्क्वायर में जिसने अपने हाथ में ग्लव्स पहन के, बिना ग्लव्स के ही घुसेबाजी की थी। आपको पता है न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी गए राजदीप, थे अमेरिका, तो एक व्यक्ति जो इस देश के सबसे बड़े चैनल में जो ग्रुप एडिटर होता है, फिर चीफ एडिटर हो जाता है, अब वो एग्जीक्यूटिव एडिटर है, यानी कि लोगों का प्रमोशन होता है, उसका डिमोशन हो रहा है। तो समझिए, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर है, जो लो पोस्ट पे आ गया है, उस व्यक्ति ने घुसेबाजी की थी, उस व्यक्ति से भी ईडी पूछताछ करेगी। अब अरविंद केजरीवाल का, और देखिए, बिछड़े सभी बारी बारी देखी जमाने की यारी, यानी कि समझिए, अरविंद केजरीवाल को सब छोड़कर धीरे धीरे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को हाशिए पे ढकेल रहे हैं, और शेख अपनी अपनी देख, यानी कि सब अपनी देखने के चक्कर में है, सब अपने आप को बचाने के चक्कर में है, सब अपने आप को सुरक्षित करने के चक्कर में है। इसीलिए विभव आने वाले दिल्ली के चुनाव से एन पहले, चलिए मैं बता देता हूं, विभव विभाव पर तो दिल्ली खुलासा में करने वाले अपने, श्रीकांत जी कर दीजिए आज। वो बताऊंगा मैं, विभव दिल्ली के चुनाव, दिल्ली में वोट पड़ने से ठीक एन पहले 164 के तहत बयान दर्ज करवाएगा और विभव वादा माफ गवाह बनने जा रहा है। राक्षस की जान तोते में है। बिल्कुल,